दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में बात करने वाले, यदि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो खाता खुलवाए हुए हैं और आप जो एक स्मार्टफोन धारक है, तो आप घर बैठे कई तरह का सर्विस जो है अपनी ही मोबाइल फ़ोन से कर सकते हो, तो उसके बारे में आपको पूरा कंप्लीट जानकारी देने वाले। जैसे कि जो भी ज़रूरत का सर्विस होता है, जैसे कि आपको बिजली का बिल भरना है या फिर मोबाइल रिचार्ज करना है या फिर इंश्योरेंस का आपको पेमेंट करना है, किसी भी तरह का काम करना है, आपको कहीं भी जाने का जरूरत नहीं। आपको बस जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो एप्लीकेशन है उसको ओपन कर लेना, और ओपन करने के बाद फिर यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको कई तरह का सर्विस दिख जाएगा। जैसे आपको मोबाइल रिचार्ज करना है तो यहाँ पे मोबाइल प्रीपेड पोस्ट पेड दोनों के लिए ऑप्शन दिया हो, यहाँ पे आपको सिंपली इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक कर दोगे, यहाँ पे आपको अपना नंबर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद फिर ऑपरेटर, उसके बाद फिर यहाँ पे ब्राउज प्लान पे आपको सेलेक्ट कर ले। तो यहाँ पे जो भी रिचार्ज आपके मोबाइल फ़ोन के लिए बेस्ट होगा या फिर जो भी आप करना चाहते हो, चाहे वो SMS के लिए हो, डेटा के लिए हो या फिर रेगुलर यूज के लिए हो, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पेमेंट मेथड में आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपका जो अकाउंट नंबर दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको रिचार्ज ऑप्शन के ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते, फिर यहाँ पे आपको जो कन्फर्म एंड पे इस ऑप्शन के ऊपर में आपको क्लिक कर देना। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, आपके सामने में एक OTP आएगा। OTP टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना। आपका मोबाइल फोन जो है यहाँ पे जो भी आप रिचार्ज कर रहे थे वो आपका 100% सक्सेसफुली हो जाएगा। कुछ इसी तरह का काम जो आप घर बैठे कर सकते हो अपनी इस एप्लीकेशन की मदद से। यहाँ पे जैसे कि बिजली का बिल जमा करना हो, चाहे आप किसी भी राज्य से हो, रिचार्ज करने के लिए हो गया DTH रिचार्ज, पोस्टपेड का बिल, ब्रॉडबैंड का, उसके बाद गैस के लिए, वाटर टैक्स, इंश्योरेंस में जितना भी मोस्टली जैसे LIC वगैरह है, सभी चीज़ का पेमेंट आप यहाँ से कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे ओपन कर लेना। यहाँ पे जो इस लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा तो उसको आपको यहाँ पे सिंपली सर्च करोगे, आपके सामने में ओपन हो जाएगा। इसको आसान स्टेप में आप यूज कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारा चीज़ दिया हो, जैसे कि आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का बिल वगैरह भरना है, उसके बाद फिर यहाँ पे जो LPG गैस, उसके बाद यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे टोल टैक्स जो होता है वो वगैरह आप सारा चीज़ दे सकते हो। सब्सक्रिप्शन जैसे कि यहाँ पे किसी भी चीज़ का अगर आप लिए हो, जैसे इंडिया टुडे ये सब है, ZEE5 का, ये सब का आप रिचार्ज कर सकते हो घर बैठे। उसके अलावा यहाँ पे और भी काफ़ी सारा चीज़ दिया हो, जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह का जो भी आप बिल वगैरह जमा करना चाहते हो, तो जो भी यहाँ पे फेवरेट हॉस्पिटल, जो भी पॉपुलर हॉस्पिटल है उसका आप यूज कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे केबल का कनेक्शन अगर आपके घर में है तो उसका भी आप भुगतान घर बैठे कर सकते हो। तो इस तरीके का यहाँ पे जितना भी सर्विस है उसका आप यूज कर सकते हो अपने यहाँ पे पोस्टपेड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के एप्लीकेशन की मदद से। और इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में चले जाना, और यहाँ पे आपको टाइप करना है इंडिया पोस्ट। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में दिखा देगा IPPB मोबाइल बैंकिंग, यहाँ पे इसके ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हो, आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। यदि आपके पास में नहीं है तो आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से भी इसको इसी एप्लीकेशन की मदद से आप जो है रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। लेकिन आप अगर आपका जो अकाउंट अगर ओपन हो भी जाता है तो उसके लिए सबसे पहली बात तो आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर जो है वो लिंक हुआ रहना चाहिए, और उसके बावजूद भी आपको जो एक बार नियरिस्ट जो भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा वहाँ पे जाकर के आपको KYC करवाना होगा, तब जाकर के आपका जो अकाउंट जो है एक्टिवेट होगा। और साथ ही साथ यदि आप इस एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कस्टमर ID का भी ज़रूरत पड़ता है, तो वो आपको कस्टमर ID जहाँ पे भी आप अकाउंट खुलवाओगे, जो भी आपको अकाउंट डिटेल्स देगा, तो उससे आपको जो है ले लेना है, लिखवा लेना, तब जाकर के आप इसको यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको इंस्टॉल करने के बाद ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जाएगा